Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do section 2, Livelihoods, Economics and Societies. It's an introduction from India and the Contemporary World Part 1, Grade 9, CBSE. In section 2, we will shift our focus to the study of livelihoods and economics. Now in section 2, we will shift our focus basically shift karenge uski study par. कि कैसे जिया जाता था और क्या इकोनॉमिक्स होती थी, क्या इकोनॉमी का स्टेटस होता था. We will look at how the lives of forest dwellers, pastoralists and peasants changed in the modern world and how they played a part in shaping these changes. यहाँ तक कि देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग जंगलों में रहते थे, जो लोग चरवाहे थे यानी जो जानवर पालते थे या फिर जो जनता थी, वो किस तरीके से उनकी जिंदगी जो है चेंज हुई मॉडर्न वर्ल्ड में और उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया इन शेप को लाने में या इन चेंजेस को शेप करने में उनका क्या योगदान रहा. ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. अभी जब भी हम क्या कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत के बारे में देखते हैं, वी ओनली फोकस ऑन द फैक्ट्रीज एंड सिटीज, ऑन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स व्हिच सप्लाई द मार्केट. ज्यादातर हमारा ध्यान किसकी तरफ होता है, या तो फैक्ट्रीज की तरफ या सिटीज की तरफ, या फिर हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में ही बात करते हैं जो कि मार्केट में सप्लाई होता है. बट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर इकोनॉमीज आउटसाइड दीज सेंटर्स. पर हमें ये भी भूल जाते हैं कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं इन इकोनॉमीज के बाहर. अदर पीपल टू हु मैटर टू द नेशन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए एक वैल्यू रखते हैं. टू मॉडर्न आइज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड फूड गैदरर्स ऑफर सीम टू स्टक इन द पास्ट. अगर आज के जमाने लोगों की नजर से देखें तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे जो पेस्टोरलिस्ट यानी ये जो जानवर चराने वाले थे, वो लोग जो जंगलों में रहते थे, जो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे या फिर जो खाना इकट्ठा करते थे, वो जो है एक तरह से पास्ट में ही होकर रह गए हैं. इट इज एज इफ देयर लाइव्स आर नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन वी स्टडी द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. हमें ऐसा लगता है कि जैसे उन लाइव्स की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जब भी हम इस कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं. दिस चैप्टर्स इन सेक्शन 2 विल सजेस्ट दैट वी नीड टू नो अबाउट देयर लाइव्स. अब इस सेक्शन 2 में चैप्टर्स जो भी दिए हुए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे उनकी लाइव्स थी, सी हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर वर्ल्ड एंड ऑपरेट देयर इकोनॉमीज, किस तरह से वो अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करते थे और कैसे उनकी इकोनॉमी चलती थी. These communities are very much part of the modern world we live in today. और ये communities भी एक बहुत important part है हमारे modern world का, जिसमें कि आज हम रहते हैं. They are not simply survivors from the bygone era. ये खाली बचे हुए लोग नहीं है कि जो बच के survive कर गए कि era निकल गया और फिर नया era आ गया उसमें बच के आ गए, नहीं. Chapter 4 will take you into the forest and tell you about the variety of ways the forest were used by the communities living within them. अब जो चैप्टर 4 है वो आपको उन जंगलों में ले जाएगा और बताएगा कि कितने अनगिनत तरीके थे जो लोग फॉरेस्ट को यूज करते थे या जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट के अंदर रहती थी वो उसको कैसे यूज करती थी. इट विल शो हाउ इन द 19th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर्स, शिप्स एंड रेलवेज क्रिएटेड अ न्यू डिमांड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज, अर्बन सेंटर्स, शिप्स, रेलवेज इन सब की जब ग्रोथ होनी शुरू हुई तो एक नई डिमांड आई फॉरेस्ट से लकड़ी के लिए या और भी कौन सी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जिसकी डिमांड बढ़ने लगी. न्यू डिमांड लेड टू द न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज. अब नई डिमांड आई तो फॉरेस्ट की यूज के लिए भी बहुत नए रूल्स आ गए. न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट, नए तरीके से फॉरेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाने लगा. You will also see how colonial control was established over the forest, how forest areas were mapped, tea trees were classified and plantations were developed. ये भी देखोगे कि किस तरीके से जो colonial control था उसका जो है एक establishment हुआ forest के ऊपर, कैसे forest areas की mapping करी गई, trees को classify किया गया मतलब categorize किया गया और plantations को develop किया गया. All these developments affected the lives of the social communities who used forest resources. इन सब डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा, जो लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट के अंदर रहती थी और जो कि फॉरेस्ट की चीजों को इस्तेमाल करती थी. They were forced to operate within new systems and reorganize their lives. उनको जबरदस्ती जो है इन नए सिस्टम्स के साथ चलने के लिए बोला गया
और उनको यहाँ तक किया गया कि अब जो है आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करो नए तरीके से। बट दे ऑल्सो रेबेल्ड अगेंस्ट द रूल्स एंड पर्सुएडेड द स्टेट टू चेंज इट्स पॉलिसी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने विरोध भी किया इन रूल्स का और साथ ही साथ उन लोगों को कन्विंस करने की भी कोशिश करी कि तुम अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दो। द चैप्टर विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सच डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए इंडिया और इंडोनेशिया में और उसकी क्या हिस्ट्री रही। चैप्टर 5 विल ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ द पैस्टोरलिस्ट इन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स इन द प्लेन्स एंड प्लेटूज ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि पैस्टोरलिस्ट जो थे, जो जानवर पालते थे, चराते थे, उनका कैसे मूवमेंट रहता था, आना जाना रहता था माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स हो या प्लेटूज हो, चाहे इंडिया के या अफ्रीका के। पैस्टोरल कम्युनिटीज इन बोथ दीज एरियाज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी जो पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं, ये दोनों एरिया इंडिया और अफ्रीका दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है पॉपुलेशन के रिल, मतलब अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करें तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। येट वी रेयरली स्टडी देयर लाइफ, पर हम इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। देयर हिस्ट्रीज डू नॉट एंटर द पेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ना ही इनकी हिस्ट्री के बारे में कभी भी टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। चैप्टर 5 विल ऑल्सो हाउ देयर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय द कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड ओवर द फॉरेस्ट। अब चैप्टर 5 ये बताएगा कि इनकी लाइफ पर कैसे असर हुआ जब जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट है उन पर जो है कंट्रोल हो गया था। द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने लग गया एंड द डिक्लाइन ऑफ ग्रेजिंग फील्ड्स, और जो घास चरने वाले एरिया थे जहाँ पे फील्ड्स को घास होती थी वो सब खत्म होने लगी थी। इट विल टेल यू अबाउट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट, देयर रिलेशनशिप टू अदर कम्युनिटीज एंड द वे दे एडजस्टेड टू द चेंजिंग सिचुएशन। अब ये इसमें बताएंगी क्या उनके मूवमेंट के तरीके थे, किस तरीके से वो मूव करते थे, उनके दूसरे कम्युनिटीज के साथ रिलेशन क्या थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया इन चेंजिंग सिचुएशंस में। इन चैप्टर 6 वी विल रीड अबाउट द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। अब चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस आए ये जो फार्मर्स थे या जो ऑर्डिनरी लोग थे उनकी जिंदगियों में। वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट इन इंडिया, इंग्लैंड एंड यूएसए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट हुआ इंडिया, इंग्लैंड और यूएसए में। ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज देयर हैव बीन मेजर चेंजेस इन द वे एग्रीकल्चर इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी 2 सेंचुरी की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं जिस तरह से अब एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू डिमांड्स, न्यू रूल्स एंड लॉज, न्यू आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी हैव रेडिकली चेंज द रूरल वर्ल्ड। जिस तरह से नई तकनीकें आ गई हैं, नई डिमांड्स हो रही हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, लॉज आ रही हैं या फिर प्रॉपर्टी के नए आइडियाज आ रहे हैं, इससे जो रूरल दुनिया है यानी जो एग्रीकल्चरल वर्ल्ड है उसको पूरी तरह से बदल दिया। द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड कोलोनियलिज्म हैव ऑल्टर्ड रूरल लाइफ। अब ये जो कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई और क्या कहते हैं कोलोनियलिज्म की ग्रोथ हुई, इसकी वजह से रूरल लाइफ बिल्कुल बदल कर रह गई यानी बिल्कुल उलट गई। Chapter 6 will introduce you to these changes and show how different groups of people, the poor and rich, men and women, adults and children were affected in different ways. अभी Chapter 6 में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो changes हुए उससे अलग अलग groups जो थे लोगों के, चाहे rich हो, poor हो, men हो, women हो, बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सब पे कैसे अलग अलग तरीकों से उसका असर हुआ। We cannot understand the making of contemporary world unless we begin to see the changes in the life of diverse communities and people. हम तब तक इस contemporary world की शुरुआत को समझ नहीं सकते हैं या उसको बनने को समझ नहीं सकते हैं जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से जो अलग अलग community के लोग रहते थे या अलग अलग जो community थी उनकी life में कैसे changes आए। We also cannot understand the problem of modernization unless we look at its impact on the environment. और साथ ही साथ हम तब तक जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसकी भी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि उसका एनवायरनमेंट पे असर क्या पड़ रहा था।